सबसे पहले तो मैं आपको वेरी 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 हैप्पी गणेश चतुर्थी विश करना चाहूँगी. प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड. एंड ये 21वां साल है मेरे घर पे गणपति बप्पा. एंड बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ खुद को, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि 21 सालों से बप्पा जो है मेरे घर आ रहे हैं. दुआ करती हूँ कि ऐसे ही आते रहे. इस बार सब कुछ मैंने किया है क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम था. एंड एक एक चीज़ से लेके, मतलब अगर आप डेकोरेशन भी देखेंगे तो इस साल की स्पेशलिटी ये है कि हर साल हमारे घर पर कलरफुल गणपति आते हैं. बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि एक सिंगल कलर के गणपति आए. पर्पलिश ब्राउन है उनका कलर. एंड जो डेकोरेशन है वो उस हिसाब से किया गया है, थोड़ा लाइट, ताकि गणपति का जो कलर है वो उठ के आए. एंड अगर आप अच्छे से देखेंगे डिटेलिंग तो नियॉन कलर है, तो जो ब्लू लाइट्स पड़ती हैं तो वो नियॉन ग्लो होता है. उनके आशीर्वाद जो वो दे रहे हैं उस पर वो ग्लो हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. एंड हाँ, काफ़ी मेहनत का काम था. हर साल मम्मी पापा करते थे, इस बार से मैंने अपने हाथ में लिया था, तो पता चला कि कितनी मेहनत का काम है. ये इको फ्रेंडली है. ये एक रोहन के हैं, ये रोहन लाए थे, और ये मेरे हैं. तो ये इको फ्रेंडली गणपति है. और इनका मैंने और मेरी मम्मा ने सोचा है कि इनका घर में विसर्जन करके इनकी मिट्टी को हम दूसरी मिट्टी में, फर्टिलाइज्ड मिट्टी में मिक्स करके इनका कुछ हम तुलसी या कुछ हम करना चाहेंगे. सो ये उसके लिए है. बिल्कुल बनी चाहिए. आई मीन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आज कौन नहीं हो रहा है. इको फ्रेंडली हो, ओशंस को, सीज को पोल्यूशन से बचाना हो, या एवरीथिंग, नॉइस पोल्यूशन, हर चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए. तो मेरी माने तो जी हाँ, बिल्कुल इको फ्रेंडली रखने की कोशिश करनी चाहिए. मैं भी हर साल कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर मुझे गणपति अट्रैक्ट कर गए, अगर मुझे उनमें वो पॉजिटिविटी, उनकी आँखें खूबसूरत दिख गई, तो फिर मैं दूसरी बार नहीं सोचती, फिर मैं उन्हें अपने घर ले आती. और ऐसा मम्मी कहती है मेरी कि अगर एक बार आपको कुछ पसंद आ जाए गणपति, तो आपको वही लाना चाहिए अपने घर पे. तो ये चीज़ मैं फॉलो करती हूँ. नहीं, मैं ही गई थी इस साल चूज़ करने के लिए. पिछले साल मम्मी गई थी, पिछले साल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. सो इस साल मैं गई थी गणपति चूज़ करने. एंड पिछली बार मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, तो मैं विसर्जन करने भी नहीं जा पाती, तो मेरी फैमिली और रोहन गए थे. बट इस साल मैं भी जाऊँगी विसर्जन करने, तो आप सब इन्वाइटेड हैं. जो ये 11 दिन रहते हैं, हम ज़मीन पर सोते हैं एंड बाहर का बिल्कुल नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते. एंड 11 दिन इंडियन कपड़े पहनते हैं, और बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं हम, स्पेशली मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, यू नो, मेरे घर के हर एक कोने में भगवान है, और बहुत ज़्यादा मानते हैं मैं, मम्मी पापा. मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान के दिन है, पूरे 11 दिन सबका अपना अपना होता है, पर मैं वो 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के साथ नहीं हूँ. मैं हर साल 21 साल से हम 11 दिन रखते हैं, और आगे भी जब भी मैं रखूँगी मैं 11 दिन ही रखूँगी, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है. आपको भगवान को आप 10 दिन तो आई एम श्योर कोई भी दे सकता है. तो मैं भी चाहे कितनी भी शूट में बिजी हूँ, मेरे घर वाले संभाल लेते हैं, कोई ना कोई संभाल ही लेता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको 11 दिन ही रखने चाहिए, बट सबका अपना अपना होता है. बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पूरे 11 दिन मैं गणपति को दे रही हूँ. मैं इस रूम को, हम इनको थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं. अगर दोपहर में हमें रेस्ट भी करना होता है तो हम यहाँ सोते हैं. सच में मैं और मम्मी यहीं सोते हैं. पापा रूम में सोते हैं, पर मैं और मम्मी यहीं सोते हैं. हम गणपति के पास ही सोते हैं. बिल्कुल नहीं छोड़ते हम, बिल्कुल नहीं छोड़ते. अगर शूट भी रहता है तो भी रात को हम नीचे ही सोते हैं, गणपति के पास ही सोते हैं. ऐसा रहता है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है. हम कोशिश करते हैं, भले ही गणपति, मैं झूठ नहीं बोलती, तो भले ही हमारे गणपति इको फ्रेंडली नहीं है, बट बैक रोड पे कुछ सालों पहले एक चीज़ शुरू हुई है. एक छोटी सी लेक बनाई है स्क्वायर शेप में, वहीं पर हम जाके हमारे गणपति विसर्जन करते, तो हम सी पल्यूट नहीं कर रहे हैं. मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, खास करके गवर्नमेंट BMC से भी, कि ऐसे स्मॉल लेक टाइप या तालाब टाइप बनाएं कि हम वहीं पे अपना गणपति विसर्जन कर सकें, तो लोगों को सी तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि वो बच सके पोल्यूशन से. इस बार एक्चुअली बॉम्बे में सिर्फ हम 3 रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, तो बड़े बट 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 के लोग आते हैं. कोशिश करते हैं सब लोग की सब, मेरे कज़न भाई रहते हैं बॉम्बे में, तो वो आएंगे एक दिन. एंड बाकी सब फ्रेंड्स का तो दिन भर आना होता है, ये किसी ना किसी का 10 दिन रहते हैं लोग, क्योंकि 1.5 दिन के ज़्यादा ज़्यादा पहले दिन कम लोग होते हैं, बट 10 दिन मतलब रोज़ किसी ना किसी का आना होता ही होता है. जी हाँ, बिल्कुल 10 दिन. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10 दिन, मतलब जो दोस्त नहीं मिल पाते हैं वो उनसे मिलना हो जाता है. एंड घर पे सब लोग बैठ के बातें करते हैं, इतनी लाइट्स रहती है, रोशनी रहती है, खाना 10 दिन फुल चीट डे रहते हैं हमारे, तो खाना रोज़ अलग अलग बनता है, कभी ये कभी वो, प्रसाद, मोदक, हलवा, सब कुछ. तो मतलब एक फीस्ट रहती है 10 दिन. जी हाँ बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. मैं सारे फैन से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए. आज आप ही की वजह से मैं यहाँ हूँ. एंड इस साल मैंने पप्पा से मांगा है कि अगले दिन ये मेरे न्यू हाउस में आए, तो देखते हैं.